और अब भी हमारा फुटबॉल इंशाल्लाह वही है। आप तो साउथ की अच्छी टीम में हो, ये चाहते कि कोई सा भी ग्रुप है लेकिन फुटबॉल के लिए काम करे, सही ना? हाँ जी नाजी, हमारे साथ मौजूद है गुलाम शब्बीर। गुलाम शब्बीर के तारुफ मैं करूँ कि वो पाकिस्तान टीम के कोच रहे हैं और नेशनल टीम के भी कोच हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये जो आज का फुटबॉल है लियारी का, जो गेमा गेमी चल रही है, मुस्सा वाले से उनसे पूछते हैं कि जी सर आप हमें ये बताएं कि आज का मतलब जो शो है उस हवाले से आप क्या बताओगे? पहले नंबर पर रहे हैं और अब भी हमारा फुटबॉल इंशाल्लाह वही है। अब चूँकि इलेक्शन का दौरा चल रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो फाइनल जीतेगी और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए लियारी से बच्चे प्रोवाइड करेंगे और यही बच्चे इंशाल्लाह कल के हीरो बनेंगे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल बनेंगे। सर यहाँ पर री इलेक्शन हो रहा है साउथ के अंदर, जो भी मतलब जो मतलब कैबिनेट मतलब नासिर करीम पैनल है और दूसरी तरफ गुलाम अब्बास पैनल है, इन दोनों पैनलों में से कोई भी पैनल अगर आगे आती है क्या आपको आप ये समझते हो वो साउथ को या ऐसे प्लेयर निकालेंगे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें या साउथ की नुमाइंदगी करें? हाँ वेल देखिए सर, यहाँ भी हैं नासिर करीम ग्रुप में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान के कोच हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्रुप को रन कर रहा है, और वहाँ भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है जो गुलाम अब्बास ग्रुप में, वहाँ भी इंटरनेशनल प्लेयर है और अच्छे कोचेज वहाँ भी मौजूद हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई भी जीते वो लियारी के लिए भरपूर काम करेंगे और लियारी के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि ये लियारी फुटबॉल हमारा ज़रिया महाश है। तो स्पोर्ट्स बल्कि जितने भी ये साइकिलिंग हो गए और बॉक्सिंग हो गया तो उसमें फुटबॉल भी है, तो फुटबॉल आपको तो पता है लियारी तो स्पोर्ट्स का ही है। अगर लियारी के जहाँ भी एक लियारी का नाम लिया जाता है तो उन सबको जहन में यही स्पोर्ट्स ही आता है कि यार लियारी स्पोर्ट्स का गढ़ है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं दोनों ग्रुप के, दोनों ग्रुपों में माशाल्लाह अच्छे लोग हैं और ये दोनों जो भी जीते हैं वो लियारी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और इंशाल्लाह जो खेले थे लियारी जितने प्लेयर उन्होंने जो दिए रिप्रेजेंट किए पाकिस्तान के लिए, उम्मीद है कि जो भी जीते और जीतेगा वो पाकिस्तान को ही प्लेयर प्रोवाइड करेंगे। सर आप हमें ये बताएं कि इलेक्शन की गेमा गेमी है, दो ग्रुप का टाकरा है, इन दोनों ग्रुप में से किस ग्रुप की पोजीशन मजबूत है और कौन कांटेदार मुकाबला कर सकता है और कौन लीड करके इस इलेक्शन को जीत सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम नबी बाबा, मैं अब्बास पैनल से मेरा ताल्लुक़ है। मैं यही बोल सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला विन होंगे, बाकी गर्मा गर्मी जारी है, उनकी मेहनत वो करें हमारी मेहनत हम करें। ये जब वो कास्ट होंगे सारे क्लब पाएंगे मुकम्मल और कास्ट हो जाएंगे उसके बाद मालूम पड़ेगा कौन जीते कौन। अच्छा मुझे ये लग रहा है इस मरतबा जो है आपका जो गुलाम अब्बास जो फाइनल है इसमें कैंडिडेट जो है अपने अच्छे चॉइस किए हैं, तो ये लग रहा है कि ये मुकाबला ज़बरदस्त होगा, मुझे ये लगता है। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश भी यही है, हमारे पास कैंडिडेट भी अच्छे हैं, आगे बात करने वाले हैं, टकराव करने वाले हैं, आप कुछ जानते हो उनको, उनके हम क्या तारीफ करें, तो इंशाल्लाह ताला हम तो देखिए अभी हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, बाकी आगे फैसला तो वोट गिनती होंगे तो मालूम पड़े। जी हमारे साथ मौजूद हैं नासिर करीम क्वीन फाइनल के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हफीज़ बलोच जो के तंजीम स्पोर्ट के सदर हैं। अब उनसे पूछते हैं कि जी आज का जो मतलब इलेक्शन हो रहा है आपका जो टाकरा है गुलाम अब्बास फाइनल के साथ, क्या पोजीशन है आप क्या बता सकते हो, मतलब जो आज का मतलब जो इलेक्शन है उसके हवाले से आप कुछ हमें बताएं? ये मुझे खुशी हुई है कि नासिर भाईजान ने मुझे इंतखाब किया, मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी है। उसमें ये कि ये गुलाम अब्बास पैनल के साथ हमारा इलेक्शन कैंड हो रहा है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह नासिर भाईजान के पैनल को कोई भी हरा नहीं सकता। साउथ के अंदर नासिर भाईजान का पैनल बहुत मजबूत है, इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। जी आपसे हमारा दूसरा सवाल ये है कि मतलब आपका इतना अच्छा टीम है, तंजीम बहुत टॉप टीम है, किसी के इलाके में काफ़ी टीमें हैं जो मतलब साउथ की टीमें हैं, आप क्या समझते हो कि उन टीमों को जब आप जीतोगे उन टीमों को भी अपने साथ ले चलोगे, उनको भी जैसे अपने तरह वो हवाना टीम बना सकोगे?
जी बिल्कुल, वो भी हमारे इत्यादि है, ठीक है, जितने 6-7 क्लब है हमारा इसी के अंदर, वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और उनको लेके चलेंगे हम इंशाल्लाह। जो है वो साउथ की अच्छी टीम है, अच्छी अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्शन की गेमा गेमी है। हम पूछते हैं दोस्तों से, लोगों से कि क्या सूरत आ रही है इलेक्शन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का साउथ के इलेक्शन हो रहे हैं, दो पैनल चल रहे हैं, एक नासिर करीम पैनल है, दूसरा अब्बास ग्रुप पैनल है, और इन दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। आप ये बताएं कि मतलब ये इलेक्शन होंगे उसके बाद क्या गेमा गेम है? हम ये चाहते हैं कि कोई सा भी ग्रुप है लेकिन फुटबॉल के लिए काम करे, सही ना। और मैं तो यहाँ सिर्फ आया हूँ देखने, क्योंकि मेरा इदारा अभी तक तो रजिस्टर भी नहीं है, सही है। जो कोई भी है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना अकेडमी रजिस्टर हुआ उनके साथ। हाँ जी, आपने मतलब पिछला जो मतलब दौर देखा, 2-3 दौर गुजरे हैं, उसमें फुटबॉल की मतलब जो इमेज है वो कहाँ तक गई है? पिछले दौर में तो फुटबॉल की इमेज मतलब बहुत नीचे आए, फुटबॉल ही खत्म हो गए यार। में कुछ ग्राउंड बने, मतलब जो पीपल्स पार्टी के दौर में जैसे भी कंकरी ग्राउंड है, कोई वक्ती तौर पे बना, मतलब बंद हो गया, लेकिन वापस नासिर करीम ने खुलवा दिया हम लोग के लिए, तो इसमें भी हम उसका शुक्रगुजारी अदा करते हैं। बाकी भी जैसे ये आसिफ अल मुमताज़ है, ये भी फुटबॉल की खिदमत बहुत कर रहे हैं। देखते हैं दोनों में से जो कोई भी है, मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल के लिए काम करें। ये हमारे साथ थे माजिद बलोच। ये है यूथ के लिए बड़ा काम कर रहे हैं और फुटबॉल के लिए बड़े काम कर रहे हैं, और इसके ज़ेर सरपरस्ती में काफ़ी बच्चे इंटरनेशनल फुटबॉल खेल चुके हैं, और अब भी इनकी जो टीम है रमज़ान मुबारक के महीने में काफ़ी टूर्नामेंट जीत के आती है, और इसके अलावा भी काफ़ी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल फाइनल खेल चुकी हैं। हम आगे चलते हैं, दूसरे दोस्तों से बात करते हैं, उनके कमेंट्स लेते हैं। संगता माई गुमा हमारा दारी कर गए एक संगते में ये जुस करें कि भाई मर्ची फुटबॉल इलेक्शन बह गए साउथ है, और ये बात बलाए इलेक्शन है ई रंदी मनी कैला कांटेदार मुकाबले हैं। सर तो हमारा बोझ के ये जो इलेक्शन बह गए हैं, ये सेहरा कई सरल हो गए हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये जो से सेहरा हो गए माशाल्लाह, मनी जाटक अंदाज है, औरंगज़ेब शामी के सरर हो गए, ज़्यादातर तो हमारे सरर हो गए, या नोके छेर है, और हमारा ज़रूरत भी शामी जो औरंगज़ेब शामी है पे में मर्दमानी है, या जो से फुटबॉल है फुटबॉल के बाद ले पड़ता, और माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ें या और मैं लिया पहचाने भी या बादल माँ होती जो से ज़्यादातर होती ख्वाहिश में मैं ख्वाहिश समझे कि औरंगज़ेब शामी बेहते, और जो से माशाल्लाह ये फुटबॉल रौनक का तो पता भी थे क्या अनु डीम में कोले मर्दमानी का ना अनु जो से जब औरंगज़ेब शामी पे बच्चे का आया जो मीडिया तो का माशाल्लाह बास पॉपुलर अभी हर जगह जो से जियो पर कोई प्रोग्राम मीडिया सोशल मीडिया तो का माशाल्लाह चाहता माँ वो से दुआ करने जो से औरंगज़ेब शामी भी बेदे तो बात बात मेरे और फुटबॉल में इंशाल्लाह पता जल्दी ले आ रही है इंशाल्लाह ताला। अच्छा तो माशाल्लाह औरंगज़ेब शामी सपोर्ट कर गए माँ ये कुछ लुटे कि मतलब ये जो हस्ते तो हमें गिरौंडा नचते गए हमसी समझो मरु ने मेहनत है और मतलब हम पीपल्स पार्टी चुशी ने चीज़ें तो सर हमारा ये बगोश के ग्वस्तगी रंदा सुमा फुटबॉल छः रंदा इस तरह आयोग के रंदा शुमा फुटबॉल छः रंगा के अंदर तीसरे फुटबॉल जो बुत्ता माशाल्लाह खैर माँ जो से इक्का उम्र है ना माँ पीछे अगर फुटबॉल है माँ कसा नहीं बची हुई तो माँ फुटबॉल चाहता था यूथ है या मजनी तो में चाहता केम सी तो आप फुटबॉल ज़बरदस्त फुटबॉल बुतगा अनु के तो का जब बिचा फुटबॉल जवाले शिकार भी उन्होंने अल्लाह हमारे कई कसूर है कई कसूर नहीं ये चीज़ माँ नजान है माँ नामा भी गिरकत न करें कि क्या बर्बादी तो का जो से मैं लिया फुटबॉल बर्बाद को चल रहा था पर अनु माँ शर्री उम्मीद करें इंशाल्लाह अर्ची भी शर भी बेहतर भी और इंशाल्लाह माँ दुआ करें कि औरंगज़ेब शामी पे मैं मर्दों पर आया तो बेहतर है चिया नू मर्द मत बेचारा कि आप पैदागीर जो से पीसरा बुतगा ना अल्लाह का पैदागीर में आया और जैसे औरंगज़ेब शामी पे मैं मर्दों भी आया और फुटबॉल ऐसा कार मारा इक्का उम्मीद है कि इंशाल्लाह फुटबॉल ऐसा कार बास भी गुड़ा लिया तो खास होगा अच्छी लिया तो का जो से फुटबॉल ज़्यादा है इक्का छोट वर्गा चे भी छोट वर्गा चे और डिपार्टमेंट बंद था फिर भी फुटबॉल अंचो से माशाल्लाह लिया तो का जस्सा मका यूथ सज्जे मक्का टीम माशाल्लाह लिया तो का बस मगर जैसे सरप्रस्त इच्छ ने से और जैसे मैं समझा नहीं आ गए कि डिपार्ट बंद एच सज्जे बंद हाँ एक टीम ऐसे जैसे शायद मेमोरियल जैसे ये ओनर
अल ममता ममताज जो है आसिफ ममताज आइए माशाला टीम में बनाता होता आइए बाजे प्लेयर कोमक कोरता उतका गरीबा और मरदम नजान के मरदम जैसी है चुने चीज़ पे मरदम तारीफ न करते बारे में मीडिया तो का ये तारीफ करें कि आसिफ ममताज पे मैं मरदम ने से जो मैं जैसे जो बात सही है जैसे टीमाना जैसे फुशन करता सपोर्ट करता बात सपोर्ट करता बात बचकर सपोर्ट करता है या और आज आई तो का मनी टीम भी ऐसे मनी टीम की बात सपोर्ट करता यही दौर है तो का और अंडर बीस जो सही बगैर बेदार है साठ में सज्जे माया माँ आने भी जो शुक्र अदा करें आसिफ मुमताज है और जैसे माँ लाला नोरे भी शुक्र गुजारे औरंगजेब है और अमका कसा जो से मन इश्ते गिरोना ये गिरोना तो का औरंगजेब शामिल है जोश बाज बलाए माने से तो का और माँ इंशाल्लाह कोशिश करें कि अल्लाह पका जो से औरंगजेब शामिल ही भेजते हैं नारा बजने भाई ये नज़ारा है टी एफ एस साउथ चैंपियन ये फाइनल डिसीजन आ गया है ये आप देख सकते हो कि मिठाइयाँ बट रही हैं और अब्दुल गनी साहब विन हो गए हैं और ये नासिर करीम पैनल खुशी मना रही हैं और अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं।